यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो देवभूमि हिमाचल का रुख करेंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में दोपहर 2 बजे होगी। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक 25 अप्रैल को प्रस्तावित थी, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता के कारण इसका शेड्यूल बदलना पड़ा। बैठक में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। कई महीने से लटकी कंडक्टर भर्ती पर भी निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा 7,500 पीटीए शिक्षकों को लेकर भी यहाँ पर होगी और विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए फैसला भी लिया जाएगा। सैकड़ों कर्मचारी 1 अप्रैल से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 1 साल में 2 तिथियां तय कर रखी हैं। इसके मुताबिक 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नियमितीकरण किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। इस बार 1 अप्रैल होने के बाद भी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। बैठक में हाइड्रो प्रोजेक्ट को राहत देने पर भी विस्तार से चर्चा होगी।